जमीयत उलामा में दस्तूर का मजाक बनाने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी। इंतशार फैलाने की पादाश में 3 नायब सुदूर बर्खास्त, 18 अरकान आमिला और तकरीबन 140 अरकान मुंतजिमा ने मौलाना आबिद कासमी की सदारत पर किया एतमाद। गुजरे 2 हफ्तों से जमीयत उलामा सूबा दहली में दाखिली इंतशार का दौर दौरा जारी है, जिससे जमीयत का नाम तो बदनाम हो ही रहा है, मुसलमानों और बिलखसूस मुहिब्बीन जमीयत में शदीद नाराजगी पाई जाती है। ये इंतशार उस वक्त शुरू हुआ जब जमीयत से वाबस्ता चंद साजिशी अफराद ने एक मीटिंग बुलाकर गैर दस्तूरी तौर से जमीयत उलामा सूबा दहली मौलाना आबिद कासमी की बरतरफी का ऐलान करते हुए नए सदर का ऐलान कर दिया और साथ ही जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर ओहदों पर नए लोगों के नाम नामजद कर दिए। इस पूरे मामले पर लगाम लगाने के लिए आज जमीयत के दस्तूरी सदर मौलाना आबिद कासमी ने शास्त्री पार्क के समुदाय भवन में एक अजीम शान इजलास आम मुनाकिद किया, जिसमें मरकज से तस्लीम शुदा 21 अरकान आमिला में से 18 ने बनफ्स नफीस शिरकत की। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के अक्सर और बेशतर हलकों से अरकान मुंतजिमा के तकरीबन 140 अफराद ने शिरकत करके मौलाना आबिद कासमी की सदारत पर एतमाद का इजहार किया और कुछ अरकान आमिला व मुंतजिमा ने यहाँ तक कहा कि जिस गैर कानूनी मीटिंग में खुद साख्ता सदारत, जनरल सेक्रेटरी, नायब सुदूर और सेक्रेटरीज के नामों का ऐलान किया गया था, हमें धोखे से उस मीटिंग का हिस्सा बनाया गया था। ये इजलास जो है ये मुंतजिमा का इजलास है और मुंतजिमा का जो इजलास बुलाया गया है वो इसलिए बुलाया गया कि जो मुल्क की हालात हैं, एक जश्न सलसाला जमीयत उलमा मना रही है और कुछ लोगों ने, नाम निहाद लोगों ने जमीयत में इंतशार फैलाने की कोशिश की है, तो इस बुनियाद पर हमें ये इजलास बुलाना पड़ा। ये इजलास मुंतजिमा जो है, आप एक एक मेंबर से मालूम कर सकते हैं कि वो मुंतजिमा का मेंबर है या नहीं है। यहाँ तो खुली सी जो मुंतजिमा का इसका एक दस्तूर है, दस्तूर ये है कि जो आदमी 2 रुपए का मेंबर बनाता है और फिर उनमें से कुछ मुंतखब होते हैं सूबे में वोट डालने के लिए, तो वो तमाम के तमाम मेंबर यहाँ मौजूद हैं और उन्हें हक है हर तरीके से। उन्हें भी तशवीश हुई, आमला के लोगों को तशवीश हुई, तो हमें ये इजलास उन लोगों के खिलाफ बुलाना पड़ा जिन लोगों ने शर पहनाने की कोशिश की। गैर दस्तूरी है, उसका दस्तूर से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मरकजी जमीयत से कोई अथॉरिटी है, वो सारा झूठ का पलंदा है। ये जमीयत उलमा सूबा दहली की जनरल बॉडी का इजलास है। ये जनरल बॉडी के इजलास होते रहते हैं जब तक इसमें मसाइल होते हैं, काम करने के मुतालिक तजावीज़ आती हैं, किन उमूर पे काम करना है जमीयत उलमा को, क्योंकि ये 100 साल जमात है और अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं, तो इस जमात का नेटवर्क जो है वो पूरा तवील है, तो इन लोगों को, जनरल बॉडी के लोगों को काम के बारे में बताया जाता है, अब तक हमने क्या किया है और अब क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, इनकी मंजूरी ली जाती है, इनसे इजाज़त ली जाती है, इतनी पावरफुल बॉडी है ये। इसी बीच में अगर जनरल बॉडी को लगता है कि किसी अहदेदारान ने जमात के खिलाफ काम किया है, या कोई अहदेदारान दुनिया से जा चुका है, इंतकाल कर चुका है, या कोई अहदेदारान दूसरी जमात में जा चुका है, तो ये जनरल बॉडी उन खाली जगहों को पूरा करती है। इस तरह के इजलास ऐसे हालात में बुलाए जाते हैं और बुलाते रहे हैं। अफरा तफरी ये नहीं है, इसलिए कि इस तरह की अगर अफरा तफरी जमीयत उलमा जो 100 साल जमात है, चंद लोगों को कहीं भी बैठ जाने से और ओहदे तकसीम कर लेने से जमात अगर अफरा तफरी ख्याल करेगी तो क्या मुल्क की खिदमत करेगी, क्या कौम की करेगी। ये कोई पहला वाकया भी नहीं है और आखिरी भी नहीं है, किसी एक जमात के साथ नहीं है, कहीं भी होता जाता है, किसी के साथ भी हो जाता है। अमला ने अभी और मुंतजिमा ने अपना दस्तूरी सदर मानना आईटीओ पर जो इंतखाब हुआ था उसमें मौलाना आबिद कासमी को बना दिया गया था। अब मौलाना आबिद कासमी को हर महीने सदर मानने की जरूरत नहीं है, जब तक दोबारा मेंबर साजी होकर कोई दूसरा सदर नहीं आ जाता। इजलास का मकसद ये है, इजलास इसलिए बुलाया गया है कि कुछ सरफिरे लोगों ने जमीयत उलमा के दस्तूर की धज्जियां उड़ाई, जमीयत उलमा के कानून की धज्जियां उड़ाई और नाम निहाद लोगों ने अपने आप को सदर मान लिया, जबकि जमीयत उलमा दस्तूरी जमात है, आईनी जमात है, अगर आईन के खिलाफ कोई काम करता है तो वो उसको माना नहीं जाएगा। इस मौके पर जनरल बॉडी के तमाम अरकान ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया कि मौलाना आबिद कासमी जाब्ते के तहत सदर मुंतखब किए गए थे, इसलिए हम उन्हीं की सदारत को तस्लीम करते हैं और जो लोग गैरों के आलायकार बनकर एक ऐसे वक्त में
जब जमीयत का सरसाला इजलास सर पर है, सरकशी पर आमादा है और जमात को बदनाम कर रहे हैं, उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुसलमानों से अपील करते हैं कि ऐसे अफराद के प्रोपेगेंडे में ना आए। इजलास में कहा गया कि 17 जुलाई को मजलिस आमिला की मीटिंग में पेश की गई तमाम करारदादें मंजूर की जाती हैं। 3 नायब सुदूर मौलाना मोहम्मद दाऊद अमीनी, शेख हलीमुद्दीन असदी और कारी अब्दुस्समी को जमात में इंतशार फैलाने की वजह से बर्खास्त किया जाता है। मौलाना आबिद कासमी सदर जमीयत उलमा सूबा दिल्ली ने कहा कि जमात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ खाका तैयार कर लिया गया है, जल्द ही कानूनी चाराजुई की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। मौलाना गयूर कासमी ने कहा कि जमीयत को लोगों के हाथ का खिलौना नहीं बनने दिया जाएगा। जिन लोगों ने माजी करीब में मुफ्ती जफरुद्दीन मरहूम के खिलाफ सरकशी की थी और आज मौलाना आबिद कासमी के खिलाफ रेशा दवानियों में मसरूफ हैं, उनको बहुत जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। मौलाना इस्लामुद्दीन कासमी ने कहा कि अफसोस आज वो भी उसी खेमे का हिस्सा है जिसने उनके वालिद की 20 साल खिदमत पर कारे जर्ब लगाते हुए गैर कानूनी तौर से उनकी बरतरफी का ऐलान कर दिया था और खुद साख्ता सदर बन बैठा था। क्या उसे उस बूढ़े बाप की वो परेशानी याद नहीं जिसकी कसक जिंदगी की आखिरी सांस तक उन्हें तड़पाती रही। कारी शाह साहब ने कहा कि खुदारा बुजुर्गों की कायम करदा इस जमात के साथ ऐसा सलूक न किया जाए कि आइंदा नस्लें हमें कोसती रहें। जनरल सेक्रेटरी कारी हारून असदी ने कहा कि जो लोग जमात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और दस्तूर का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए और जमात के बुनियादी मकसद के फरोग के लिए अपनी खिदमत अंजाम देनी चाहिए। दिल्ली MIM के सदर और रुकन मुंतजिमा उमर फारूक ने कहा है कि मौलाना आबिद कासमी की क्यादत में जमीयत उलमा सूबा दिल्ली ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं कि पिछले 20 सालों में उसकी नजीर नहीं मिलती। आज जो लोग तखरीब कारी में मसरूफ हैं, उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मौलाना के लिए जो कलाम तो मेरे पास बहुत है, जिसका अल्लाह होगा कहूंगा, लेकिन ये कलाम जो मौलाना के लिए बनाया है।